आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान जो रह कर नापाक हरकतें कर रहा है, उसे पीछे भी हटाना है, उसे सबक भी सिखाना है, और इसके लिए भारतीय सेना के जवान दिन रात 24 घंटे सातों दिन मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी में लगे हैं। और खबर ये कि सेना का ऑपरेशन जो है वो पहले से और ज्यादा तेज हो गया है। आतंकी हमलों के बाद जम्मू में ये सेना का ऑपरेशन है जो तेज हुआ है। नापाक करतूतों पर पर्दा डालना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान जो कि बार बार बेनकाब भी हो रहा है, उसका दोगला रवैया और चेहरा भी सामने आ रहा है। भारतीय सेना लगातार चला रही है सर्च ऑपरेशंस। ये ऐसे सर्च ऑपरेशंस हैं जो आतंकियों तक पहुंचने के लिए हो रहे हैं, आतंकियों का खात्मा करने के लिए हो रहे हैं। अलग अलग जगह आतंकी छिपे हुए हैं, अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। अब लोकल सपोर्ट को लेकर भी कई जानकारियां ऐसी हैं जो सुरक्षा बलों के हाथ लगी हैं, और उसी लोकल सपोर्ट को खत्म करने का उद्देश्य भी अब सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है। कल ही खबर सामने आई थी कि 6 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं क्योंकि लोकल सपोर्ट के आरोप उन पर लगे, और जिसमें 5 पुलिस वाले और 1 टीचर भी शामिल बताया गया। 6 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हो गए हैं। भारतीय सेना लगातार मुस्तैदी से ये सर्च ऑपरेशंस चला रही है। बड़ी बात यह भी कि कल 5 अगस्त है जब पाकिस्तान इसे अपने जहन में रखता होगा। जम्मू कश्मीर, जहां पर धारा 370 हटने के बाद अलग ही अमन, चैन, सुकून लोगों ने महसूस किया है, इसको लेकर हम बात करेंगे। भारतीय सेना लगातार सर्च ऑपरेशंस चला रही है। आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट तेज किया गया है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल माथुर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिन में आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में बढ़ी, या खास तौर पर मैं कहूं कि कश्मीर में तो हो रही थी, लेकिन जम्मू जहां पर 2 दशक से ज्यादा का वक्त हमने ऐसा देखा है जब शांति से लोगों ने सुकून की सांस ली है, वहां फिर से आतंकी सेल एक्टिव हो जाना, आतंकियों की संख्या बढ़ जाना, आतंकी घटनाओं में इजाफा होना, ऐसे में ऑपरेशंस तेज करना जरूरी था भी, वक्त की कड़ी जरूरत था। बिल्कुल रचना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं काफी समय से ये कहता आ रहा हूँ कि क्या हुआ था कि दबाव घाटी में इतना ज्यादा था कि उनको घाटी में कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो रही। दूसरी बात, 3-4 महत्वपूर्ण चीजें एक के बाद एक लगातार भारतवर्ष में थी, चाहे वो विजय दिवस का 25वीं वर्षगांठ हो, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे वो लोकसभा के सफल इलेक्शन, जहां पर की कश्मीर घाटी में बाकी राष्ट्र के अनेक राज्यों से कहीं ज्यादा मतदान गिरा, या और कोई आने वाला असेंबली इलेक्शन हो, या 5 अगस्त की 5वीं वर्षगांठ हो, पाकिस्तान अपने आप को बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ महसूस कर रहा था। उसकी वजह यह थी कि वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। उसके अलावा हमारी कुछ सेनाएं यहां से रीडिप्लॉय करके लेह लद्दाख में गलवान के बाद भेजी गई, तो उसके बाद पाकिस्तान को शायद यह महसूस हुआ यहां पर मौका है, वहां पर दबाव ज्यादा है, इसलिए हम यहां जम्मू में गतिविधियां बढ़ाते हैं। ये बात हमने कई बार कर दी। अब आप देखेंगे कि जो गतिविधियां बढ़ा दी है, इसके लिए नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार हो गया है, और उसमें वही जो तीन टीयर्ड जो आपकी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर आर्मी मुस्तैद है। बीएसएफ की तादाद बढ़ा दी गई है, 2 से 2,500 बीएसएफ के जवान वहां पर एडिशनल आ गए हैं जम्मू और पंजाब के रीजन में, और आपके इंटरनल जो सेकंड टीयर है, जो काउंटर टेरर ग्रिड होता है, उसके लिए असम राइफल्स की 2 या 3 बटालियन ला करके यहाँ रख दी गई है। देखिए, असम राइफल्स के बारे में बताऊंगा आपको। असम राइफल्स एक बहुत परिपक्व और काउंटर टेरर ऑपरेशंस करने में बहुत माहिर फौज है, क्योंकि ये पूरे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया अर्थात असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, वहां लगातार काम करती भी आई, तो वहां से उनको लॉक करके यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और मेरा ये मानना है कि अब जो प्रेशर जितने भी टेररिस्ट घुसे हैं भारत जम्मू और कश्मीर और पीर पंजाल के दोनों तरफ, रचना में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी ऑपरेशन, मान लीजिए पीर पंजाल के दक्षिण में ऑपरेशन हो रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसको हम पीर पंजाल के नॉर्थ में नहीं उसको ब्लॉक करेंगे। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं, जब सर्प विनाश हुआ था पीर पंजाल के दक्षिण में,
तो वहां से जब उन्होंने दबाव बढ़ाया था तो जितने भी रास्ते दक्षिण से उत्तर की ओर जाने के जाने वाले थे उनको ब्लॉक किया गया था फिजिकल ऑक्यूपेशन के साथ उन रास्तों को, ताकि जो टेररिस्ट यहां से भाग करके घाटी में प्रवेश करना चाहे उसे रोक करके उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। तो ये पूरा जम्मू कश्मीर इलाके का एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन है जिसमें इनको ढूंढ ढूंढ करके टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रचना, बिल्कुल होना भी चाहिए, आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना, उनके लोकल सपोर्ट को जड़ से उखाड़ फेंकना, ये कोशिश होगी तभी ऑपरेशन ऑल आउट में कामयाबी मिलेगी। यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में, उससे पहले बड़ा अपडेट, जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है, सुरक्षा एजेंसियों ने ये अलर्ट जारी किया है, पाकिस्तानी सेना और ISI ने मिलकर इस आतंकी हमले की साजिश रची है। इसी महीने बड़े आतंकी हमले का अलर्ट है, उसमें 5 अगस्त भी 15 अगस्त भी सब सुरक्षा एजेंसियों के जहन में है, ताकि कड़ी सुरक्षा इंतजाम उन दिनों में खास तौर पर की जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है, आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे होने पर यह अलर्ट खास तौर से जारी किया गया है। 5 अगस्त जो कि कल ही है 2019, 5 अगस्त में आर्टिकल 370 हटाया गया था, और चूंकि 5 साल पूरे हो रहे हैं 5 अगस्त को, ऐसे में पाकिस्तान ऐसे ही खास मौकों की फिराक में रहता है। खास तौर से आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त सुरक्षा इंतजाम पहले से ज्यादा कड़े होते हैं, साथ ही साथ अब इसमें 5 अगस्त भी ऐड कर लीजिए, जब आर्टिकल 370 हटाया गया, 5 साल पूरे हो रहे हैं, साथ ही साथ कारगिल विजय दिवस जिसका जिक्र अभी मेजर जनरल माथुर ने भी किया था, तो ऐसे कुछ वक्त रहते हैं। और खास तौर से फेस्टिवल सीजन, जब मार्केट्स में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जब लोगों में खुशी का माहौल होता है, तब आतंकियों के जरिए कोशिशें तेज होती हैं। अब 5 अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट, ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट, पाकिस्तान ने बना लिया नापाक प्लान, पाकिस्तानी सेना और ISI ने आतंकी हमले की रची साजिश, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, टारगेट लॉक, ड्रोन से नजर, एक एक का हिसाब चुन चुन कर मिट जाएगा आतंक का पूरा नाम, आतंक पर प्रचंड प्रहार। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकवादी वारदातों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जम्मू में आतंकियों ने अलग अलग जगहों पर कई घातक हमले किए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने के भीतर आतंकी घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान आतंकवादियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया। इसके बाद से देश के सुरक्षा तंत्र को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। वहीं देश में एक बार फिर आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे 5 अगस्त को 5 साल हो जाएंगे। खबर आ रही है कि आर्टिकल 370 के हटने की 5वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले करने की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो आतंकी घाटी में इस महीने में आतंकी हमला कर सकते हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार से आतंकवादियों के मैसेज को डिकोड किया है। मैसेज डिकोड करने से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन आर्टिकल 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दरअसल साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार विकास योजनाएं प्रगतिशील हैं। साथ ही केंद्र सरकार आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी कराने जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना इसी वजह से बेहद नाराज है, इसलिए पाकिस्तान घाटी का माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहा है। वो चाहता है कि कश्मीर में किसी तरह चुनाव ना हो। इस साल केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के दिन यानी 9 जून को ही आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले शुरू कर दिए थे। इसके बाद आतंकियों ने आतंकवादी बुरहान वानी की बरसी पर भी जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात की थी। इन घटनाओं के बाद से खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की ओर से भारत आने वाले संदेशों पर लगातार निगाह रखना शुरू कर दिया था।
इसके मुताबिक अब पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन इस महीने जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकवादी कार्रवाई करने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वो अगस्त महीने में हर संभव बड़ी वारदात करने की कोशिश करें। पाकिस्तानी आकाओं ने साफ कहा है कि चाहे सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकना हो, सैनिक ठिकानों पर आत्मघाती हमला करना हो या फिर निर्दोष आम नागरिकों की हत्या करना हो, इस महीने में जम्मू कश्मीर में किसी भी कीमत पर कोहराम मचाना है। अब भले जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी हो, लेकिन आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने बड़ा प्लान बनाया है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश और आतंकी घटनाओं में आए तेजी को देखते हुए सेना का बड़ा अभियान जारी है। सेना ने अतिरिक्त जवानों को राज में उतार दिया है, साथ ही घुसपैठ की कोशिश करने वाले कई आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस तरीके से